नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीसी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, बीटीसी एनएम की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीटीसी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीटीसी एनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरें और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली इसी सच्चाई वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता दें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, जो 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, तो केस का लिस्टिंग हो चुकी है, केस का सीरियल नंबर क्या है, किस चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई होगी, कोर्ट नंबर कितना में सुनवाई होगी, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके टॉपिक वाइज डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और हर एक जानकारी आपको बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी हम सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको केस स्टेटस दिखा रहे हैं और केस स्टेटस कैसे आप निकाल सकते हैं देख लीजिए। आप यहाँ पे डायरी नंबर सबसे ऊपर में देना है, उसके बाद डायरी ईयर देना है और नीचे आपको कैप्चा दे देना है। यहाँ पर जैसे ही कैप्चा डालिएगा आ जाएगा और यहाँ पर सर्च कर दीजिए, देख लीजिए। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो नीचे में हर चीज़ आ जाएगा और यहाँ पे आपको व्यू करना है तो पूरे डिटेल्स में खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने में आ चुका है केस का स्टेटस, अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी। डायरी नंबर आपके सामने में है, देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए प्रेजेंट, आपको लास्ट आपको लिस्टिंग देखिए हुआ था 22/7/2024। देखिए चीफ जस्टिस का नाम भी है, किनके बेंच में सुनवाई होगी, पंकज मित्तल के बेंच में और केस का सीरियल नंबर 10 है। आपके सामने में हर चीज़ आ चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप लोग के मन में जो डाउट चल रहा था, सर 22 तारीख को सुनवाई होगी या नहीं होगी, सर टेंटेटिव डेट है, सर आगे पीछे डेट हो सकती है, ये कंफर्म हो चुकी है जो 22 तारीख को सुनवाई होगी, डेट आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, आपके सामने में हर चीज़ है, आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, केस स्टेटस भी यहाँ पर आप देख लीजिए और टेंटेटिव केस का जो है डेट दिया है 22/7/2024। ठीक है, ये फाइनल हो चुकी है, जो 22 को ही सुनवाई होगी। पेटिशनर कौन है, रिस्पोंडेंट में कितने लोगों को रखे हैं, ये सब आप लोग चेक कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर पेटिशनर एडवोकेट है, उसके बाद रिस्पोंडेंट एडवोकेट है, जो कि आप देख लीजिए वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी है, जो बीना कुमारी का केवीएट फाइल किए थे। तो सब में आपको यही दिखेगा, देख लीजिए वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी। जब तक वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी नहीं आएंगे तो इस केस का सुनवाई नहीं होगी, आपको भी पता होना चाहिए। जो नाइट में आप लोग पूछ रहे थे सर अर्चना कुमारी कि अगर वकील नहीं आएगी तो सर केस का सुनवाई नहीं होगा, तो दोस्तों यही हम आपको जानकारी देना चाह रहे थे। यहाँ पर ये देखिए वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी है, ठीक है, जो मीना कुमारी के नाम से हम लोग जो है कैविएट फाइल किए थे, तो एडवोकेट कौन थे, वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी। हर एक ये अगर 22 तारीख को खड़ा नहीं होंगे तो केस का सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, नोकी अर्चना कुमारी के वकील नहीं आएंगे तो सुनवाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप देख लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे ले जाके केस स्टेटस हम आपको दिखा दिए, केस का लिस्टिंग हो चुकी है, फाइनली 22 तारीख को ही सुनवाई होगी। ठीक है, एक एक जानकारी हम आपको बता दिए, केस का सीरियल नंबर 10 है। ठीक है, पंकज मित्तल चीफ जस्टिस जो है पंकज मित्तल के बेंच में सुनवाई होगी, इसलिए आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन लेना है, हमारे सुरजीत सर है। दूसरी बात है, आप लोग के मन में ये हो सकता है सर ओका सर के बेंच में क्यों नहीं सुनवाई होगी, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उस डेट में जो कोर्ट खाली रहता है उसी कोर्ट में सुनवाई होती है, जो टेबल खाली रहता है उसी टेबल पर सुनवाई होती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, नहीं आपको परेशान होना, दिल खोल के सुरजीत सर को आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, क्योंकि अब हम लोग के पास समय नहीं है। आज 19 जुलाई हो चुकी है, ठीक है, कल 20 जुलाई हो जाएगी, कल शनिवार और 21 को रविवार ही है। ठीक है, हम लोग के पास समय नहीं है, 22 तारीख को सुनवाई होगी, तो इसीलिए सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सके सोशल मीडिया पर आप लोग शेयर कीजिए, सर का स्क्रीन लगा दिए, सर का नंबर लगा दिए, आपको जैसे सुविधा हो आप लोग सर को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप लोग के मन में जो डाउट चल रहा था सर टेंटेटिव डेट है,
आगे पीछे डेट हो सकती है तो वो तो आपको क्लियर हो गया, कोई अब आगे पीछे डेट नहीं होगी, 22 जुलाई को ही सुनवाई होगी, ठीक है। और केस का सीरियल नंबर 10 है, पंकज मित्तल जो चीफ जस्टिस है उनके बेंच में सुनवाई होगी, ठीक है। तो हर एक जानकारी हम आपको बता दिए हैं, जितना हो सके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, जितना हो सके सोशल मीडिया पर आप लोग शेयर कीजिए और सुरजीत सर को सपोर्ट कीजिए। जो आपके मन में डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया, तो दिल खोल के आप लोग, ठीक है, आप लोग दिल खोल के सुरजीत सर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। 7.5 लाख वकील साहब को हम लोग दे चुके हैं, अभी 3.5 लाख और देना है, ठीक है। इसलिए सभी लोग जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और 12 बजे लाइव में आते हैं तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हर एक टॉपिक पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो 12 बजे लाइव आना आप लोग नहीं भूलेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।